तो देखते हैं आंखों सुनते कानों को एक दफा फिर शाहरुख का सलाम पहुंचे। तो जनाब बहुत दिनों बाद आज हम बनाने जा रहे हैं 23 मार्च का एक पोस्ट। ठीक है जनाब, तो करना क्या है, बहुत जल्दी मैं लेके चलता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, एक दिन रह गया है। तो फाइल पर आप आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ले लेता हूँ मैं 1200x1200 का पिक्सल, ठीक है जी, और RGB कलर हो। अच्छा अब हमने करना क्या, सारी फाइलें मैंने यहाँ पे खोल ली हैं। ठीक है, सबसे पहले तुम इसके बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे कलर लिख लीजिएगा, ये कलर है हमारा, ठीक है, इसमें ही आप कलर दे देंगे। ठीक है जनाब, अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से मीनार पाकिस्तान उठाया और उसको ड्रैग करते हुए हम यहाँ पे ले आए, ठीक है, और इसको हम कर देंगे क्लोज। अच्छा जी, अब राइट क्लिक करा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करा इसको, कंट्रोल टी से इसको यहाँ रखा, कंट्रोल टी से थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ तक काफ़ी। अब हम इसका शेडो देंगे, ब्रश टूल लेंगे, हार्डनेस 0, और उसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा के एक लेयर खोलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा साइज़ करली ब्रैकेट से, लेफ्ट करली ब्रैकेट से और राइट करली ब्रैकेट से छोटा बड़ा होता है साइज़, ठीक है। यहाँ से ब्लैक कलर, कंट्रोल टी, उसको थोड़ा सा नीचे रख लेंगे, कंट्रोल टी से इसको और छोटा करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा, थोड़ा सा बाहर की साइड पे निकालेंगे ऐसे, और इसकी ओपेसिटी कर देंगे कम थोड़ी सी, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे आते हैं, फ्लैग उठा लेते हैं, इसको ड्रैग करते हुए यहाँ रखते हैं, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ऑलरेडी मैंने करा हुआ है, इसको साइज छोटा कीजिएगा थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ रखा और उसको इसके पीछे कर दिया लेयर को, ठीक है, लेयर को पीछे करके थोड़ा सा हमने साइज बड़ा कर दिया ऐसे, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करा, कंट्रोल टी, राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजॉन्टल और उसको कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। इन दोनों को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ भी छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे एलिप्टिकल मर्की टूल, मैं इसको सिलेक्शन कहता हूँ ऐसे, ठीक है, एक लेयर खोलेंगे, शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करेंगे और फिर ऑल्टर दबा के और शिफ्ट के साथ साथ में ऑल्टर, पहले ऑल्टर दबाएंगे फिर शिफ्ट दबाएंगे तो ये माइनस होगा, ठीक है, ओके ये माइनस हो गया, इसमें आपने कलर भर दिया वाइट। अच्छा हमें इसको और एक दफ़ा मैं आपको और बता देता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए, इसको डिलीट कर दें यहाँ से, फिर बताता हूँ, एक लेयर खोलें, शिफ्ट के साथ इसको ड्रॉ करें, अब ऑल्टर दबाएं और साथ में शिफ्ट दबाएं तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, थोड़ा सा और इसको बारीक कर लेते हैं हम, ठीक है, लेयर खोली भी, हम इसमें वाइट कलर दे देते हैं, कंट्रोल बैक स्पेस से, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी के साथ इसको छोटा करो और इसको हम रख देंगे यहाँ पे और इसको बिल्कुल नीचे ले आएंगे जस्ट लाइक दैट। अच्छा अब मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर करें पहले तो इसको, अब इस पर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन आता है, ठीक है, और यहाँ से कलर और ले लिया और इस पर क्लिक करके आप ये कलर डालेंगे, ठीक है, ओके करेंगे, लेकिन लाइट हो गया थोड़ा सा, थोड़ा सा मैं इसको डार्क रखता हूँ लिटल बिट, इतना काफ़ी है, ओके करा और ओके करते हैं, तो मैंने ये कलर लिया। अब हम बनाएंगे स्टार, स्टार के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ पॉलीगोनल टूल, यहाँ से इसको रखता हूँ 5 और सिंपल एक क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन खुल जाएगा, ये सेटिंग देख लें यहाँ पे जो लिखी हुई है और उसको कर दें आप ओके और शिफ्ट के साथ इसको बड़ा करें, ये स्टार बन गया, नहीं यार मजाक कर रहा हूँ, अभी स्टार नहीं बना, एरो लीजिएगा इसको यहाँ रखिएगा, और ये जो साथ में प्रॉपर्टीज़ पैनल खुला हुआ है ये विंडोज़ के अंदर आता है प्रॉपर्टीज़ का पैनल, ठीक है, इसको आप कर देंगे 50, तो ये स्टार बन जाएगा, ठीक है। अब इसका कलर भी यहाँ से क्लिक करके उठा सकते हैं, स्ट्रोक इसका बंद कर दीजिएगा, ये क्लिक करके यहाँ से स्ट्रोक इसका क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है, कंट्रोल टी से इसका साइज छोटा करें और थोड़ा सा घुमा दें, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। अब हम इसके अंदर जेट ऐड करते हैं, एक ये है एक ये है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, मैं ये जेड उठा के इसको यहाँ ऐड करता हूँ, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल टी करा, इसको थोड़ा सा छोटा करा, इसको यहाँ रखा, ठीक है, और कंट्रोल टी से थोड़ा सा इसका फेस अप कर दिया, कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करा, राइट क्लिक फ्लिप हॉरिजॉन्टल और इसको मूव करा दिया आपने यहाँ पे,
जी यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब हम यहाँ से क्लाउड उठा लेते हैं, एक क्लाउड हमने रखा है यहाँ, और इसी की कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बना के हमने इसको यहाँ रख दिया, कंट्रोल टी से राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया ताकि थोड़ा सा शेप चेंज लगे। ठीक है अब हम इसको करते हैं क्लोज, कंट्रोल टी कंट्रोल डब्ल्यू से। अब इसको भी बंद कर दें, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं, ये बर्ड उठाते हैं, यहाँ मूव कराते हैं, और इसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है और इसकी ओपेसिटी हम कर देते हैं 30, इसको भी कंट्रोल डब्ल्यू से बंद कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी कुछ बर्ड्स हैं, इसको भी उठाया, ये फाइलें मैं दे दूँगा आपको, ठीक है डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। इसको भी आपने 30 कर ले रहे हैं, ठीक है इसको भी बंद कर दें। अब ये लिखा करारदादे पाकिस्तान, इन दोनों को सिलेक्ट करा कंट्रोल के साथ, इसको मूव कराया और इसको यहाँ रख दिया। ठीक है जी आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट टूल लिया, क्लिक करा, इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ और फॉन्ट भी ये रखता हूँ, फॉन्ट का कलर तो मैं यही रखता हूँ, और इसको ले लेता हूँ मॉन्टेसरेट, सिंपल ये वाला मॉन्टेसरेट ले लिया। ठीक है इसका साइज़ छोटा कर दिया। अब मैं लिखता हूँ पाकिस्तान डे, इसका फॉन्ट लिया मैंने DCC और कलर करा मैंने ग्रीन, ये वाला कलर उठा लेता हूँ, फॉन्ट बड़ा रखना है मैंने, तो यहाँ रखा। अच्छा इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा टैलिक भी कर सकता हूँ, तो टेक्स्ट तो लेके मैं आऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको थोड़ा सा टैलिक भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टैलिक हो जाएगा। ठीक है तो ये आपने इसको यहाँ रखा और इसकी स्पेस है 0 कर दी। ठीक है और अब हमारा लास्ट हमने क्या करना है कि हमने यहाँ लिखना है मॉन्टेसोरी में समी बोल्ड में स्ट्रेट में, फॉन्ट का साइज़ छोटा कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा लें इसको यहाँ से, इसको ब्लैक रखेंगे आप, और दोबारा सेलेक्ट करके इसको कर लेंगे ब्लैक। ठीक है इसको हटा के यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, तो जनाब ये आपकी पाकिस्तान डे की पोस्ट तैयार है 23 मार्च। ठीक है जी तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी तमाम फाइलें मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से उठा लीजिएगा और उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। ठीक है जनाब, जब तक के लिए बाय बाय।